अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो टाइटल तो आपने देख लिया होगा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये 3 रोमपर मैंने दराज से मंगवाए थे और वो मैंने जो आपको ये 2 दिखा दिए, तो वो उस टाइम पे मेरे पास था नहीं, सो मैंने आपको कहा मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ कि ये जो 3 है ये ब्राउन कलर में था। सो अच्छा, ये जो था ना मैंने दराज से मंगवाए थे, मुझे 1500 के पड़े थे। और ये जो होता है ना स्लीप सूट, तो ये ज़रूर होना चाहिए वो इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा कम्फी होता है, यानी आप बच्चों को इजीली जो है कैरी कर सकते हैं। अच्छा, 3 जो थे 1500 में थे और ये बहुत ज़्यादा, इनका फैब्रिक जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था मैंने, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की थी। अच्छा, ये मैं आपको सेपरेट, मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ कि यानी आप 3 मंथ 4 मंथ के बच्चों को ईज़िली जो है पहना सकते हैं। तो अच्छा, ये जो था ना इसका फैब्रिक, अच्छा ये फैब्रिक तो बहुत अच्छा था। और ये आप किस तरह पहना सकते हैं, यानी आप नीचे एक हाई नेक पहना दें और उसके ऊपर कोई भी एक सूट पहना दें, और उससे पहले जो है ना आप कोई भी इस तरह का रोमपर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नीचे जो भी आप कपड़े पहनाएंगे तो वो पेट नंगा नहीं होगा, जिसकी वजह से बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी। अच्छा, ये पहले पहना के फिर उसके ऊपर आप वो पहना दें। अच्छा, ये जो था ना जो मैंने आपको दिखाया है रोमपर, ये ऑरेंज वाला, तो ये ऑरेंज वाला रोमपर मैंने सेट ऑफ 5 मंगवाया था बेबी प्लैनेट से, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और ये बहुत सस्ते में मुझे मिल गया था दराज, वो सॉरी बेबी प्लैनेट पे सेल थी पैक ऑफ 5, तो ये मुझे था 799 आई थिंक थी, और प्लस यानी 900 का मुझे पड़ गया था। अच्छा, ये दूसरा सूट, ये मुझे काजिम जब हुआ था तब मेरी अम्मी ने दिया था, और ये वेलवेट में ब्लू, और इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, और मैंने छिरे से लिया था, तो यानी मैंने लिया था, मतलब उन्होंने मुझे कहा था तुम ले लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। सो ये था तब 1500 का था आई थिंक, और इसके अच्छा अब 3 साल तो इस बात को हो गए, और ये बहुत इसकी अच्छी क्वालिटी थी और ये मुझे अब भी बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी जो है शो करवा देती हूँ कि इस तरह का वेलवेट का सूट जो है वो होना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छा जो है बच्चे को गर्म रखते हैं, आप ईज़िली बाहर भी ले जा सकते। अच्छा, मैंने जो था ये ब्लू कलर में लिया था, अच्छा अंदर से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सॉफ्ट टॉवल नहीं होता जैसे, और काफ़ी थिक है ये। अच्छा, मैंने जो था इसको ब्लू में लिया था, और भी इसमें कलर्स थे, ब्लैक भी था और ऑरेंज भी था, तो मुझे तो था ये अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ये जो है लाइट कलर जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं बच्चों पे, तो ये मैंने जो था ले लिया था। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपको ये रोमपर जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये जो है ना 0 to 3 मंथ के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, सो मैं उसके बाद जो हाशिम को पहनाऊँ तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये आएगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कम्फी होता है, आप किसी वेडिंग पे जो है पहना सकते हैं, किसी भी इवेंट पे जो है पहना सकते हैं, ताकि अगर किसी ने पकड़ना है तो इजीली जो है ना वो पकड़ा जा सके बच्चों को। तो इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी सूट आप गर्म पहना दें, ऊपर ये पहना दें, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्म तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहनाना है तो फिर आप ज़्यादा गर्म बच्चे को कर देंगे तो फिर वो भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये नीचे भी ना सकते हैं, लेकिन अगर छोटा बच्चा ज़्यादा सही है, अगर नहीं तो आप कोई सूट पहना सकते हैं, इसलिए कि अगर ये पहना देंगे ना तो बच्चे को टाइट हो जाएगा पैम्पर की वजह से, तो आप कोई सूट पहना दें और ऊपर से जो है ये पहना दें, तो साथ में टोपी कोई भी आप कैप पहना दें, और ये वाली कैप तो है वो नहीं पहना सकते वो, इसलिए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फिर तंग करती है, मैंने जब अक्सर ये देखे कि फिर बच्चों को तंग करने लग जाती है। अच्छा, ये जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा, मेरे पास ये जो था ना काजिम का पड़ा हुआ था, सो मैंने कहा आपको ये भी है ज़रूर दिखा दूँ, ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, अब इसके ऊपर या इससे नीचे जो है ना हाई नेक पहना दें तो बेस्ट है। और ये सेट जो है ना ये पैक ऑफ 11 है, और ये भी मेरी जो था ना अम्मी ने दी है हाशिम की बार पे, तो ये मैं आपको जो दिखाती हूँ 11 पीस है, इसमें था रोमपर, एक सूट है और 2 सूट हैं, एक लेगी और एक विदाउट लेगी वाला, और एक रोमपर और एक रैपिंग शीट, मिटन्स और सॉक्स नहीं शूज़ हैं, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह के। और इस ये जो है ना ये मैंने पहले भी काजम के बार में भी लिया था, सो आई डिसाइडेड कि यही जो है ना हमें लेना चाहिए। और अच्छा, रैपिंग शीट के साथ में इसका वो एक बांधने वाला भी दिया था, तो मुझे ये बात अच्छी लगी थी। अच्छा, ये जो है ना एक हाई नेक टाइप है, क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा सा
डिफरेंट था, सो मैंने कहा कि इसको मैं रोमपर के साथ ही पहनाऊँगी। अच्छा ये जो था इसके साथ बटन भी थे, और एक ये सूट और ये रोमपर है जो मैंने जब भी पहनाया ना इसको वाइट के साथ ही पहनाया, क्योंकि जब नीचे पहना दो आप इसी तरह का तो वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। तो ये रोमपर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने कहा ये जो है थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए बच्चा तो ये यूज़ कर सकते हैं। और ये है लैगी, इसके साथ जो लैगी थी ना वो मुझे जो थी मैंने कई बार यूज़ आप करा सकते हैं, इसके साथ करा सकते हैं आप यूज़, और इसके ऊपर होम खैर इस खुली शर्ट के साथ तो आप रोमपर नहीं पहना सकते, लेकिन जो बंद है उसके साथ आप रोमपर पहनाए और बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो सेफ हो जाएगा। और अच्छा ये जो था ना मैंने इस तरह आप पहना सकते हैं कि नीचे लैगी और ऊपर से ये खुली शर्ट, और ये इसकी कैप, और सॉरी मैंने आपको कैप का नहीं बोला था, ये इसकी कैप थी और साथ ही शूज़ मुझे बहुत क्यूट लगे थे, और साथ में जो थे ये मिटन्स थे। तो ये एक सेट होता है जिसकी वजह से जो है ना आप बच्चों को एक प्रॉपर एक मतलब आप रैपिंग शीट भी कर दें, शूज़ भी पहना दें, मिटन्स भी पहना दें, कैप भी पहना दें, तो एक बहुत अच्छी एलिगेंसी जो लुक आ जाती है। तो ये मैंने जो था ना लिया था, और साथ में ये बिब, हर बिब इतनी छोटी होती है कि बच्चों को पहनाई नहीं जा सकते, तो फॉर्मल इन्होंने ऐसे ही दी होती है। अच्छा रैपिंग शीट की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि ये बच्चे इसकी साइज़ से बहुत बड़ी इन्होंने इस बार मुझे दी, और ये बहुत अच्छी मतलब कि अच्छी क्वालिटी तो इनकी अच्छी होती है, अंदर से टॉवल वाला कपड़ा तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा सारे जो है मैंने आपको लाइट कलर दिखाए, सो आई डिसाइड कि मैं कुछ डार्क कलर भी दिखा देती हूँ। अच्छा ये ही डार्क कलर जो मैंने लिया था, अच्छा ये का हाशिम की दादा ने दिया था जब बाज़ार गए थे, उन्होंने कहा चलो मेरी तरफ से जो है एक सूट ले लो और वो डार्क में लेना पड़ेगा, सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ले लेती हूँ। और ये इसके नीचे एक इनर शर्ट और साथ में ये जो था ना ट्राउज़र, यानी कि एक ट्रैक सूट ही है बच्चे का, तो ये मैंने हाशिम को पहनाया था बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो हो सकता है डार्क कलर ना अच्छा लगे लेकिन अच्छा लग रहा था। अच्छा ये मेरी बहन ने दिया था तो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। अच्छा ये इतना ज़्यादा मोटा नहीं एक पतला है, तो ये ना कि आप गर्मियों में भी पहना सकते हैं। तो इसके साथ एक इस तरह की पैंट है, तो ये भी जो मैंने कहा नीचे लेगी पहना के बच्चों को पहनाई जा सकती है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी आप नीचे कोई लेगी पहना दें कोई कलर की इस तरह की जो मैच करे, और साथ ये शूज़ हो सकते हैं या फिर दूसरे भी हैं जो खैर इसके साथ मैच तो करे थे, लेकिन जब मैं वीडियो बनाई बाद में देखा तो मैच ही नहीं करे, मैंने कहा मैंने दिखा तो दिया अब अच्छा नहीं लग रहा। ये इसके साथ जो है ना मैच ये इस कलर के साथ, यानी दोनों एक जैसे कलर लग रहे थे लेकिन वीडियो में थोड़ी चेंज लग रहा था। अच्छा ये मिटन्स जो थे ना ये क्रोशे के बने थे, और मुझे क्रोशे की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं जहाँ भी नज़र आ जाती हैं मैं ले लेती हूँ, और कुछ जो है मेरे रिलेटिव जो हैं उन्होंने भी दिए थे। सो अच्छा आज की वीडियो जो यहीं पे ख़त्म होती है, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।